तो ये लग चुका है हमारे घर पे जय श्री राम बजरंग बली का झंडा। जय बजरंग बली, आपको दिखाते हैं दूर से कितना प्यारा लग रहा है। सारे लोग बोलेंगे जय श्री राम। जा रहे हैं पीपल के पत्ते लेने, क्योंकि आज घर में पूजा है और पीपल के पत्ते, आम के पत्ते पूरे घर पे लगाने के लिए शुभ माने जाते हैं। और ये विनय रावत अभी पेड़ में चढ़ा है। अच्छे पत्ते निकालना, अच्छे वाले, जो ना ना पक्का है, तेरा वेट इतना नहीं है, जो फटे ना हो साफ पत्ते निकालना। 50 किलो? हाँ, जो मतलब सही है, जो फटे ना हो, जिसपे फटे मत निकालना, टहनी मत तोड़ना, खाली पत्ते निकाल। ये है पीपल के पत्ते हम निकाल रहे हैं। ये तो बात है यार, यहाँ पे अब है हमारा आम का पेड़ है, आम के पेड़ में पत्ते ही पत्ते ये निकाल रहे हैं, आम के पेड़ से पत्ते। अभी नहीं रावत जा रहे पेड़ में। अरे कैंडी यहाँ सो रखा है, कैंडी। अब जा रहे हैं सुराही के लकड़ी लेने, सुराही की लकड़ी, उसका पेड़ आपको दिखाते हैं। सुराही का क्या होता है, पूजा में काफ़ी शुभ माना जाता है, आपको पेड़ दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका सुराही का पेड़, ये वाला, इसकी सूखी लकड़ियाँ सारी ऊपर है। अब थोड़ा रेस्क्यू करते हैं यहाँ पे निकालने के लिए। सुराही का पेड़ और ये हमारे गांव का नौला है, इधर आपको दिखाता हूँ नौला कैसा होता है। पहाड़ों में नौला प्राकृतिक जल स्रोत होता है जो काफ़ी पुराना है। ये देखिए आजकल ये नौला कंप्लीट फुल भरा हुआ है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं यूज़ करने, और गर्मियों में इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है पानी स्टोर करने के लिए। नौला पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और लोग इन्हें बनाते हैं, और काफ़ी पुराना है। इसके जो पत्थर देख रहे हैं ना आप, कितने बड़े बड़े पत्थर, इधर से इधर पूरा एक ही पत्थर, बड़ा पत्थर, और सामने देखो आप कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये देखो, और ये इधर देखो, इधर साइड सारे पत्थर, और यहाँ ये भी पूरा एक पत्थर है। और बचपन में हम इसी नौले से पानी लाते थे, जब पानी की कमी होती थी ना तो यहाँ पानी लेने आते थे। देखो अभी तो इसकी सफाई हुई नहीं है उतने अच्छे से, क्योंकि इसका यूज अब होता नहीं उतना, फिर भी ये जल स्रोत भर रहा है। ये भूमिगत जो जल है यहाँ पे स्टोर होता है, और इसका पानी गर्मियों के टाइम पे काफ़ी ठंडा पानी होता है इसके अंदर, जो यहाँ से इसका जड़ है ये सुराही के पेड़ की। और कितना बड़ा पेड़ है, ये पेड़ लगभग 100 साल से पुराना होगा, क्योंकि हम तो ऐसे देखा है इस पेड़ को, और हमारे पूर्वज उन्होंने भी ऐसे देखा है, तो काफ़ी पुराना पेड़ है। चलते हैं यहाँ से, ये हमारे गाँव का नौला। तो मम्मी और चाची बना रही हैं पकवान, पूरी पकौड़ी, ये पूरी बन गई है। तो मैं आगे नहीं जला, नहीं पूरी का है नहीं, मैं घर के नए चूल्हे में नहीं किला बोलो तो सब बोला। तो अभी हम बना रहे हैं दिग्बंधन, जो अभी घर के चारों ओर इधर से बांधा जाएगा। इसमें जनरली आम और पीपल के अच्छे अच्छे पत्तों को रक्षा धागे पे इस प्रकार से बांधते हैं मंत्रों द्वारा। मंत्र जय श्री राम। दोस्तों तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आई होप आपको मेरी प्रीवियस जो पहले की वीडियो हैं नीप करोरी की और गांव के जो ब्लॉग्स आ रहे हैं, आप उनको एंजॉय कर रहे होंगे और आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों आपसे एक चीज़ बतानी थी कि आप लोगों ने जो मुझे सब्सक्राइब किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन कई लोगों ने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन दबाना शायद वो भूल चुके हैं, जिससे वो उनके पास मेरी वीडियो जल्दी से नहीं पहुँच रही है। तो आप लोगों लोग सारे बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिले। और जैसे आप देख रहे हैं आज मैं पूरा तैयार हो रखा हूँ, क्योंकि हमारे घर में आज एक अच्छा भव्य और शुभ कार्य होने वाला है। जो हमारा अभी यहाँ पे नया घर बना गांव में, उसका आज गृह प्रवेश है, जिसके लिए हम तैयार हो रखे हैं। तभी आपको दिखाएंगे वीडियो में कि हम गृह प्रवेश में क्या क्या होता है, और यहाँ पीछे पूरा अभी तैयारी चल रही है। तो ले चलते हैं आपको ब्लॉग में, आप बने रहें और ब्लॉग को पूरा देखें, और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया है वो दें। तो गाइस ये है अपना जो नया घर बन रखा है यहाँ पे, ये इधर वाला पूरा, यहाँ पे चल रही खाने की तैयारी, सब्जी कट रही है। विनय रावत चाची साची लगे हैं, ये लड़का बहुत काम कर रही है, इसको
काम करने के लिए चाहिए तो बता दो। सारे होटल में मिल जाए, वो सब होटल के लिए ना। सैलरी 1,15,000 की। सब चले गया सर। यहाँ पे दीवान की फिटिंग चल रही है। यहाँ देखो जय श्री राम बोला। ये हमारी बुआ है, यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो रही है अभी गृह प्रवेश की। सबसे उधर पंडित जी हैं, उनके बगल में पापा हैं, फिर मम्मी है, फिर छोटे चाचा हैं, फिर चाची, और इधर बड़े चाचा चाची, एक कामनी के नाम है। तो यह कैक्टस जिसको गडौली में सुन बोलते हैं, इसे घर की छत पे लगाते हैं कंटर में। या गयो पांदनी बांदी पारा जो निक पे कर दियो तो आपको घर दिखा रहे पूरा। ये लैट्रिन बाथरूम, ये बाथरूम वो लैट्रिन अंदर, और ये हाथ धोने वाला, एक ही किचन, ये कमरा, ये एक अंडरग्राउंड।
वो ये बात सब है रे बढ़िया अभी लेकिन बात है आई छे नहीं भाई हम क्या याद नहीं आ दो बस वो कम रही से अब बोल मैं अबे अरे अटक छे जाग तो ये लग चुका है हमारे घर पे जय श्री राम बजरंगबली का झंडा। जय बजरंगबली। आपको दिखाते हैं दूर से कितना प्यारा लग रहा है। सारे लोग बोलेंगे जय श्री राम। देखो कितना प्यारी लोकेशन में हमारा घर है। ये देखो पूरा खुले पहाड़ चारों तरफ से और इतना अच्छा लोकेशन। आपको अभी दिखाता हूँ मैं पूरा ढंग से कितना प्यारा लग रहा है। पूरा रोड से दिखाता हूँ पूरा अच्छे से। यहाँ पे पाइप लाइन की फिटिंग चल रही है अभी। देखिए कितना सही लग रहा है। भाई जहाँ प्रसाद चल रहा है कैंडी